हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन गांधी। आप लोगों का मेरे चैनल आई गांधी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ब्लैक शार्क 2 के टेम्पर्ड ग्लास की। और दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब भी लॉकडाउन ओवर होता है या जब भी मुझे मौका मिलता है एक टेम्पर्ड ग्लास को ऑर्डर करने का, तो मैं ज़रूर से करूँगा और चैनल में वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैंने इसको परचेज़ किया अमेज़ॉन से। 70 रुपीज़ का टेम्पर्ड ग्लास था, 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, तो टोटल मुझे 110 रुपीज़ पड़े। तो दोस्तों चलिए अब कंटेंट्स भी देख लेते हैं बॉक्स की। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें हमें तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है, एक वेट वाइप्स, दूसरा ड्राई वाइप्स और तीसरा ये टेम्पर्ड ग्लास। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बस हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका फिट जो है वो ब्लैक शार्क 2 के स्क्रीन में अच्छे से आता है या नहीं। तो दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास को लगाने के लिए हमें दो चीज़ें दी गई है, वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सिर्फ वेट वाइप्स का ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो ड्राई वाइप्स होते हैं उसमें ऐसे कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं स्क्रीन में जो कि टेम्पर्ड ग्लास लगाने में मुझे बाद में प्रॉब्लम करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले जो पुराना वाला स्क्रीन गार्ड है उसको मैं निकाल लेता हूँ ब्लैक शार्क 2 से। ये स्क्रीन गार्ड ब्लैक शार्क वालों ने ही प्रोवाइड किया था और अनफॉर्चुनेटली इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक चेंज करना ज़रूर बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा वेट वाइप्स, और ये ड्राई वाइप्स को मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को पूरी एंजॉय कीजिएगा और पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मैं फाइनल डिसीजन बता पाऊँ कि ये टेम्पर्ड ग्लास कैसा है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये एक हाइब्रिड ग्लास है। इसका मतलब ये बेंडेबल है ग्लास होने के बावजूद, इसका मतलब इसमें थोड़े से ग्लास के प्रॉपर्टीज़ है और कुछ जो है प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड की प्रॉपर्टीज़ है। तो दोस्तों मैंने सुना है कि ये वाले जो टेम्पर्ड ग्लास होते हैं हाइब्रिड वाले, वो अच्छे खासे ड्यूरेबल होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। और दोस्तों जहां तक बात है कि क्या आपको ये वाला टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 110 रुपये, और जो बाकी के टेम्पर्ड ग्लास मुझे फ्लिपकार्ट में देखने को मिले या फिर अमेज़ॉन में भी मिले उनकी प्राइसेस थी या तो 300-400 रुपये। तो मुझे लगा इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सोचा टेम्परेरली एक बार ये वाला टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करके मैं चेक करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसा है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा क्योंकि जो मेरा फाइनल डिसीजन है वो मैं वीडियो के एंड में ही बताऊँगा। और तो और दोस्तों अगर आपको ये वाला टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ करना है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इस टेम्पर्ड ग्लास को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक मैं टेम्पर्ड ग्लास को लगाता हूँ वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों फाइनली ये टेम्पर्ड ग्लास अब लग चुका है। दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है इस टेम्पर्ड ग्लास में कि इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इसका फिट था वो एग्जैक्टली बैठा नहीं ब्लैक शार्क 2 में। तो मेरे हिसाब से बस ये काम चलाने लायक है अगर आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन चाहिए स्क्रैचेस से या फिर अपनी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करना है, तो दोस्तों आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लॉकडाउन ओवर होते ही आप या तो ऑनलाइन अच्छा वाला टेम्पर्ड ग्लास ऑर्डर कर लीजिए या फिर कोई शॉप में जाके एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगवा लीजिए, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास मुझे इतना खास नहीं लगा। दोस्तों मैं लॉकडाउन के बाद इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली अभी ना बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में, तो मुझे एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिल पाया। तो दोस्तों आप टेस्ट भी कर लेते कि क्या फिंगरप्रिंट एनिमेशन या फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है। तो हाँ दोस्तों फिंगरप्रिंट तो बढ़िया से काम कर ही रहे हैं। और दोस्तों मैं ये भी चेक करना चाहता था कि जो 3D टच है या मैजिक टच है वो भी अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो हाँ दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं 3D टच मैजिक टच अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों ये टेम्पर ग्लास वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन बस इसकी जो फिट है वो मुझे मज़ा नहीं आई, क्योंकि साइड में कुछ गैप्स रह गए, ऊपर में भी फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर में भी जस्ट हल्के से छोटे से कुछ गैप्स हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।